गोखले बाजवा भारत को आखिरी गोली तक लड़ने की धमकी दी। कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती करवा चुके पाकिस्तान युद्ध का ढोल पीट रहा है। तिलमिलाए पाकिस्तान सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत के खिलाफ आखिरी गोली तक लड़ने की धमकी दे डाली। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर भारत के साथ आया दक्षिण कोरिया, लिया बड़ा फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कोरिया यात्रा के दौरान वहां की सरकार ने ऐलान किया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में काम करने वाले अपनी कंपनियों को सरकार द्वारा 2014 में लागू की गई नीति के अनुसार कोई भी सरकारी सहायता प्रदान नहीं किया जाएगा। डोरियन ने बहामास में मचाई भीषण तबाही, मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हुई। बहामास में शक्तिशाली तूफान डोरियन से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 30 पर पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि बहामास में 70,000 लोगों को तत्काल सहायता की जरूरत है। फ्लोरिडा, जॉर्जिया और कैरोलिना आपात स्थिति का ऐलान कर चुके हैं। UAPA संशोधित कानून के खिलाफ दायर याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि निषेध कानून यानी UAPA में हाल ही में हुए बदलाव के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में UAPA संशोधित कानून के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थी। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।